और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते संक्रमण के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा रायपुर नगर निगम में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है, जिसके बाद आमजनों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 31 जुलाई और 1 अगस्त को किराना दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। शुक्रवार और शनिवार को किराना दुकान सुबह 6 से 10 बजे तक खोली जा सकेंगी और इस दौरान शासन द्वारा लॉकडाउन में निर्धारित नियमों का पालन सभी को करना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी रायपुर की बात करें तो ये भी कोरोना हॉटस्पॉट जिला उभर कर सामने आ रहा है। लगातार बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। इसी बीच इस बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा 22 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया था। इस बीच 2 दिनों तक दुकानों को खोलने की 28 जुलाई से 29 जुलाई तक खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसके बाद राज्य शासन द्वारा लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई और उसे 29 जुलाई के बाद 6 अगस्त तक लॉकडाउन को लगाया गया। 6 अगस्त के बीच 2 धर्मों के महत्वपूर्ण त्यौहार सामने आ रहे थे, एक बकरी ईद आ रहा था और दूसरा रक्षाबंधन का त्यौहार आया था। इसे ध्यान में रखते हुए एक विशेष अनुमति निकाली गई और विशेष अनुमति दी गई, जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया कि 31 अगस्त और 31 जुलाई और 1 अगस्त को सभी दुकानों को फिर से खोला जाएगा। सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह के 10 बजे तक के जो मिष्ठान की दुकानें, जो आवश्यक सामग्री की दुकानें हैं, जैसे कि राशन की दुकानें हो गए, जनरल स्टोर्स हो गए, राखी के स्टॉल हो गए, बकरी से जुड़े हुए जो खरीदारी के सामान हो गए, इन सभी को 4 घंटे के लिए खोला जाएगा। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रायपुर के मालवीय रोड बाजार पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से राखियों के स्टॉल से पूरा बाजार सजा हुआ है। हर 2 कदम पर राखियों के स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पर फल के सामान बेचे जा रहे हैं, जो त्योहारों से जुड़े हुए जो सामान है उन सभी को बेचा जा रहा है। उन सभी को खरीदने के लिए यहाँ पर ग्राहकों की एक बड़ी संख्या पर भीड़ सामने आई हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं कि। लेकिन इसी बीच जिला प्रशासन की टीम, संबंधित थाने की टीम, यहाँ पर संबंधित जोन की टीम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि अपने चेहरे पर मास्क लगाए रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए। इसके साथ ही जितनी दुकानें हैं, जितने स्टॉल हैं, उन सभी को भी निर्देशित किया गया है कि जो ग्राहक आ रहे हैं उनके चेहरे पर मास्क लगवाना अनिवार्य है। बिना मास्क लगाए हुए ग्राहकों को सामान नहीं दिया जाएगा। इसी विशेष अनुमति के साथ 2 दिनों तक दुकानों को खोला जाएगा, एक आज और कल, जिससे ग्राहक अपने जरूरत के सामानों को पूरे तरीके से खरीद सके। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ शिवम मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।